मंत्र प्रश्न उत्तर, मंत्र कहानी प्रश्न उत्तर। तो यह पहला प्रश्न है, डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम मंत्र और कहानीकार का नाम मुंशी प्रेमचंद है। सांप को लगा कि कैलाश उस पर आक्रमण करना चाहता है, अतः आत्मरक्षा में उसने कैलाश पर आक्रमण कर उंगली को काट खाया। सांप की यह प्रवृत्ति होती है कि वह जब तक आक्रमण नहीं करता है तब तक किसे वह नहीं काटता है। यह व्यक्ति उसे मारता या चोट पहुंचाता है तभी यह सांप काटता है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर चड्डा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। डॉक्टर चड्डा उस बूढ़े व्यक्ति को उपकार का बदला चुकाना चाहता था तथा पूर्व में अपने व्यवहार के लिए उस बूढ़े से क्षमा मांगना चाहता था, इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति को डॉक्टर चड्डा खोज रहा था। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया, इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम मंत्र है और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। मानवता का कर्तव्य है, उसे पुकार रहा था और बूढ़ा चाह कर भी नहीं सो पा रहा था। 80 वर्ष के उसके जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह दौड़ कर न गया। इसका आत्मन उसे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहा था, कह रहा था कि जाओ जाओ और कैलाश को बचाओ। पहला प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा? अपने शब्दों में लिखें। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। बूढ़ा डॉक्टर से इनकार करने पर हतप्रभ हो गया। वह देखा कैसे डॉक्टर उसके बातों को नहीं सुनता है। उसके मन को ठेस लगी। वह मन ही मन समझ गया कि उसके जीवन की आखिरी निशानी भी अब नहीं बचेगी। वह अंदर से टूट गया, पर कोई उपाय उसे नहीं सूझा। वह देख डोली उठावे ली और अपने घर को लौट गया। वह समझ गया कि डॉक्टर चड्डा उसके बेटे को नहीं देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। इसके लिए समाज में शिक्षा का प्रचार आवश्यक है। शिक्षा से ही जागृति बढ़ती है, जागृति आएगी और समाज में सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होगा और मार्ग में प्रगति के मार्ग में भी आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर लिखेंगे, इस पाठ में सबसे अच्छा चरित्र उस बूढ़े व्यक्ति का है जिसने मानव मूल्यों की रक्षा की और डॉक्टर चड्डा के बेटे की जान बचाई। आधी रात को उसके घर पहुंच गया, डॉक्टर चड्डा से बदला लेने की भावना उसके मन में आई, पर बूढ़े ने उस पर भी नियंत्रण करते हुए डॉक्टर चड्डा के यहाँ जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर चड्डा
से इनाम या परिश्रम पाने की अपेक्षा किए बिना वह घर वापस आ गया। इस प्रकार बूढ़े ने इंसानियत का उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। चौथा प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि मानव मूल्य सबसे ऊपर है। और कहा भी गया है, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तुम फूल, आ तो ही फूल का फूल है ताको है त्रिशूल। मानवता की रक्षा के लिए ईश्वर ने मानव को इस धरती पर भेजा है। और मानव धर्म कहता है कि हमें हर व्यक्ति, हर इंसान की सेवा भावना से सेवा करनी चाहिए। तो आज हम लोग मंत्र कहानी का प्रश्न उत्तर या मंत्र का प्रश्न उत्तर किए हैं। यह पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।